कर्नाटक में इंतखाबी तशहीर का जो आखिरी दिन है आज शाम 5 बजे तक कर्नाटक में इंतखाबी तशहीर का शोर थम जाएगा। वोटर्स को रिझाने के लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक रखी है, तो वहीं कांग्रेस आज एक साथ 500 जगहों पर गारंटी प्रोग्राम करेगी, तो वहीं बीजेपी के भी कई बड़े लीडरान कर्नाटक के दौरे पर हैं। लगातार इंतखाबी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी तमाम तरह जो आला क्यादत है कांग्रेस की वो भी इस वक्त कर्नाटक चुनाव को लेकर प्रचार करते हुए नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ बीजेपी की जानिब से भी सभी बड़े लीडरान इस वक्त मैदानी सतह पर जुटे हुए हैं, अलग अलग तरह से अपनी तरफ वोटर्स को रागब करने की कोशिश लगातार पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो वहीं इंतखाबी रैलियां और रोड शो से इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर हैं, लेकिन आज इंतखाबी तशहीर खत्म हो जाएगी। आज इंतखाबी तशहीर का आखिरी दिन है, चूंकि 10 मई को पहले मरहले के तहत ही यानी एक फेज में ही वोटिंग होगी, तो वहीं नतीजे 13 मई को सामने आएंगे। तो कर्नाटक इंतखाब के हवाले से कई आवामी मसाइल, कई आवामी मुद्दे जिनको लेकर अलग अलग पार्टियां अपनी तरह से लोगों को रागब करने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों ही पार्टियों ने तमाम तर वादे आवाम से किए हैं, अपने अपने इंतखाबी मंशूर में वादों की लंबी फहरिस्त आवाम के बीच रखी गई है, ताकि आवाम ये फैसला कर सके कि किसकी तरफ आवाम को जाना है, कौन आवाम की मफाद में काम करता हुआ नजर आएगा। इसी को लेकर मजीद जानकारी हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे जयपाल शर्मा, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपाल, आज काफी कुछ हलचल रहने वाली है, चूंकि आखिरी दिन है, कैंपेनिंग खत्म हो जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए कर्नाटक का चुनाव जिस तरह से चल रहे हैं और जिस तरह से इसके अंदर में तस्वीरें बदल रही है, तो आज जो है आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे तक जो है चुनाव प्रचार किया जा सकता है, उसके बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएंगे और 10 तारीख को चुनाव होने हैं। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने अपना नंजनगूढ़ में कल अपनी एक सभा को संबोधित किया था, हालांकि उसके बाद वो दिल्ली चले गए। और भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस जो हो, वो जो बाकी समय बचा हुआ समय मतलब आज शाम 5 बजे तक का, उसका बेहतर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से अगर हम देखें तो प्रियंका गांधी भी हैं और राहुल गांधी भी हैं यहाँ पर, तो जाहिर तौर पर इस जो 5 बजे तक का समय है उसका वो बेहतर इस्तेमाल करना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, अजयपाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर हैं और कांग्रेस काफी जोश में नजर आ रही है और 500 जगहों पर एक साथ प्रोग्राम होने वाले हैं, उसके हवाले से क्या कुछ अपडेट मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने अपनी एक नीति जो को तैयार किया है, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि उसकी जो नीति है उसके आधार पर लोगों को ज्यादा प्रभावित किया जा सकता है। इसलिए खास करके जो उन्होंने 5 वादे किए हैं अपने मैनिफेस्टो के अंदर में, जिसमें 200 यूनिट फ्री की महिलाओं को 2000 रुपए, जो बेरोजगार युवक है ग्रेजुएट उनके लिए उनको 2000 और 1500 रुपए, डिप्लोमा विद्यार्थियों को, इस तरह से जो कांग्रेस की जो नीतियां हैं उसको हाईलाइट करना जरूरी है। इसलिए आज उन्होंने तय किया कि आज जो जितने लोग हैं वो इसके ऊपर में चर्चा करेंगे और एक निश्चित समय के अंदर में इन सारी चीजों को जो है दोहराया जाएगा, ताकि लोगों के दिमाग में तय रहे। तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उनके पास ज्यादा मुद्दे हैं, हालांकि ये चुनाव जो है मुद्दों से जो है भटकता गया है। ऐसे में जरूरी है कि चुनाव के चार खत्म होने के आखिरी दिन इन बातों को एक बार फिर से मतदाताओं को याद कराया जाए। बिल्कुल, और काफी दिलचस्प ये चुनाव होने वाला है, लेकिन जिस तरह से देखा जाए जयपाल, जो पिछले चुनाव हुए हैं हाल ही में, अगर गुजरात और हिमाचल की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जो इंतखाबी सरगर्मियां इस वक्त कर्नाटक में देखने को मिल रही हैं वो काफी मायने रखती है, चूंकि जिस तरह से देखा जाए कांग्रेस की तरफ से चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, साथ ही साथ सोनिया गांधी भी मैदान में नजर आई। बिल्कुल, देखिए आजकल की तारीख में चुनाव में प्रचार का जो वक्त होता है, सभी पार्टियां अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं, और खास करके देखा जाए तो जिस तरह से कर्नाटक चुनाव के अंदर में या हिमाचल चुनाव के अंदर में प्रचार किया गया था और जिस गति से प्रचार बढ़ा उसके बाद जो है जैसे जैसे जरूरत महसूस की गई, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो पिछले 7-8 दिनों के अंदर में प्रधानमंत्री ने लगभग 20 तरह को सपोर्ट किया है, रोड शो
दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार यहाँ पर प्रचार में जुटे रहे। एक वक्त ऐसा भी आया कि सोनिया गांधी भी यहाँ पर पहुंची, हालांकि उन्होंने एक ही रैली को संबोधित किया लेकिन उनका आना काफी मायने रखता है। तो ये दर्शाता है कि किस तरह से चुनाव जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं, और विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, ऐसा नहीं है जो नेता है वो बड़े से बड़े नेता जो है वो पहुंचते हैं और मतदाताओं को अब तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल अजय पाल, चूंकि आज आखिरी दिन है, आज सभी पार्टियां अपनी आखिरी कोशिश करती हुई नजर आएंगी, तो क्या कुछ प्रोग्राम आज और देखने को मिल सकता है कांग्रेस और बीजेपी के अलावा और पार्टियों का? देखिए, आज शाम 5 बजे तक का वक्त जो है उसका बेहतर इस्तेमाल करना है। जैसे उम्मीद थी कि राहुल गांधी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, हालांकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रियंका गांधी का आज बेंगलुरु में रोड शो होना है। इसके अलावा जितने भी नेता हैं, जितने भी लीडरान हैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद, सब शाम 5 बजे से पहले अलग अलग जगहों पर पहुंचेंगे, सभाओं को संबोधित करेंगे, ताकि जो है चुनाव से ठीक पहले तक अपनी बात को जो है वो पहुंचा पाए। बिल्कुल, अलग अलग तरह से वोटरों को राकेप करने की आखिरी कोशिश तमाम दल पार्टी की जानिब से की जाएगी। तो वहीं जयपाल, वार और पलटवार का सिलसिला भी आज रैलियों की तरफ से तो कम से कम थम जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसीलिए जो चुनाव होते हैं उससे ठीक 24 घंटे पहले जो है इस तरह के प्रचार को रोक दिया जाता है, क्योंकि लगातार पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मुद्दे वादे ये सारी चीजें जो मतदाताओं के सामने में होती हैं उनको थोड़ा सा वक्त दिया जाता है, ताकि मतदाता भी अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर पाए कि दरअसल उन्हें जो वोट देना है वो किसको देना है। वो जाहिर है कर्नाटक चुनाव के अंदर में हमने देखा किसकी तस्वीर बहुत ज्यादा बदली, लेकिन आखिरकार अब वो वक्त आ गया है जब मतदाताओं को तय करना है वो किसे जीतना चाहते हैं। बिल्कुल, ऐसे में देखना ये होगा कि अब किस तरह से इंतखाबी सरगर्मियां आज थमती हुई नजर आएंगी, चूंकि अब वक्त आ गया है वोटिंग का, 10 मई को वोट डाले जाएंगे। जयपाल, तफसीली बातचीत के लिए आपका बेहद शुक्रिया।